आजम आप लोगों को पिछले 2-3 साल से दिखा रहा है कि वो बड़ा प्लेयर भी है और जहाँ प्रेशर आता है उधर और अच्छा खेलता है। और बड़ा प्लेयर उसी वक्त बनता है इंसान जब प्रेशर में परफॉर्म करता है, और वो ग्रेट्स की तरफ जा रहा है, बल्कि है ग्रेट जो एट द मोमेंट क्रिकेट चल रही है, जिस तरह वो तीनों फॉर्मेट में बैटिंग कर रहा है। और देखें एक चीज़ और भी है, तीनों फॉर्मेट में कप्तानी के साथ परफॉर्म करना ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ और है कि इतनी फिक्र टीम की भी करना, अपनी बैटिंग की भी, और लड़कों को भी साथ लेके चलना, और ये दोनों तरफ से है। और लड़के भी बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं, जो वो बात कर रहा होता है उसको वो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस करते हैं। तो मेरा ख्याल एक कप्तान की हैसियत से, एज ए प्लेयर की हैसियत से, मेरा ख्याल एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल रहा है वो। अच्छा, एज ए बैटिंग कोच आप कुछ क्या कुछ दे रहे हैं, और क्या कुछ लड़के प्लेयर जो है नए कुछ ले रहे हैं आपसे, इतना बड़ा नाम आपका? नहीं देखिए, ये तो अंदर की बातें होती हैं, उधर की ये सारी प्लानिंग्स बता नहीं सकते मीडिया पे, लेकिन ये कि ऑलरेडी लड़के बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, कुछ ट्यूनिंग होती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो भी तो ड्यूरिंग द सीरीज़ नहीं कर सकते, उसको बाद में कर सकते हैं। अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, लड़के परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, तो ज़्यादा चीज़ें छेड़ नहीं सकते। हल्की फुल्की जो ट्यूनिंग होती है ज़रूर उस पर बात होती है, और ज़्यादा सुनना मुझे पसंद है कि मैं उनकी बात सुन रहा होता हूँ कि वो क्या चाहते हैं, तो उसी में से फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको जितनी बेहतर सपोर्ट कर सकें, क्योंकि हम लोग सपोर्ट करने के लिए हैं। असल मेन तो उनका है, हमारी सपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि वो जो चीज़ें उनको आसान लगें और उनके हक में बेहतर हो। मोहम्मद हुसैन को अचानक अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो उनके माइंडसेट कैसे हैं? चीज़ें चल रही हैं, लड़के परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, तो ज़्यादा चीज़ें छेड़ नहीं सकते। हल्की फुल्की जो ट्यूनिंग होती है ज़रूर उस पर बात होती है, और ज़्यादा सुनना मुझे पसंद है कि मैं उनकी बात सुन रहा होता हूँ कि वो क्या चाहते हैं, तो उसी में से फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको जितनी बेहतर सपोर्ट कर सकें, क्योंकि हम लोग सपोर्ट करने के लिए हैं। असल मेन तो उनका है, हमारी सपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि वो जो चीज़ें उनको आसान लगें और उनके हक में बेहतर हों। मोहम्मद हुसैन को अचानक अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो उनके माइंडसेट कैसे हैं? देखिए ये मेरी डोमेन नहीं है, ये आप ज़रूर उससे शेन टेट से बात कर सकते हैं या हेड कोच से बात कर सकते हैं, इसका मुझे इतना, क्योंकि मैं अपनी डोमेन से बाहर जाने की कोशिश नहीं करता। सॉरी भाई, शहनशाह अफरीदी आखिरी लम्हात पे इंजर्ड हो गए, तो उनको कितना मिस करेंगे और उनकी मुतबादल हुसैन को कैसा देखते हैं? देखिए फिर मेरी डोमेन से बाहर क्वेश्चन है, ये फास्ट बॉलर से या हेड कोच से कर सकते हैं। थैंक यू जी। एक सवाल है यूसुफ भाई, नहीं 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 और कोहली, बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेशन रहा, और देखिए आपके सामने गर्मी भी बहुत है, लेकिन इसके बावजूद लड़कों ने बहुत जान मारी है, बहुत एक्साइटिंग है, और जो हमारा आगे टूर्नामेंट है वो उसको सामने रखते हुए सारी प्लानिंग की गई है, और इंशाल्लाह ये लड़के जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब, अभी तो इम्यूनिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन गर्मी अभी भी बहुत है, तो प्रैक्टिस सेशन में बॉयज़ ने क्या कहा, कैसा लगा उनको क्लाइमेट एडजस्टमेंट? नहीं देखिए, ये तो आप लोग भी देख रहे हैं कि गर्मी है, इम्यूनिटी है, और लेकिन सारे ट्रू प्रोफेशनल हैं और उन्होंने पूरी जान मारी है, और इंसान भी हैं, गर्मी महसूस भी होगी और वीकनेस भी महसूस होगी, लेकिन चूँकि पीछे मेहनत की हुई है सारी और प्रोफेशनल हैं, इस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। यूसुफ भाई, इधर विमल कुमार इंडिया से, ऑब्वियसली बात है सारा जो सब लोग एशिया कप की बात हो रही है, इंडिया पाकिस्तान, इतने फर्स्ट थॉट आपकी क्या है? इंडियन टीम भी आ चुकी है, अभी आप लोगों ने ख़त्म किया, वो लोग प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट थॉट तो यही कि हमने इंशाल्लाह वर्ल्ड कप, ये एशिया कप जीतना है, फर्स्ट थॉट तो यही है, और सारे कीन है और सारे फोकस हैं, डिसिप्लिन है, सारे इस पूरे टूर्नामेंट को देख रहे हैं कि सिर्फ इंडिया का मैच नहीं देख रहे, पूरा टूर्नामेंट देख रहे हैं कि किस तरह हमने इस टूर्नामेंट में जीत कर जाना है। बाबर आजम की प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि जब प्लेयर जब बड़ा प्लेयर बन जाता है तो प्रेशर भी आ जाता है कि भाई ये बड़े मैच में आपको जिताना है, खेलना है, खास तौर पर इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करना है, तो परफॉर्मेंस का भी एक प्रेशर होता है, तो कैसा ओवरऑल?